Hi guys, good evening and welcome to my channel. बुक्स को लेकर के बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं कि बुक्स कैसे पढ़ें. JSSC का जो है एक नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो JSSC की जो तैयारी है उसके लिए हम लोग कौन सी बुक फॉलो करें. तो ऐसा है फ्रेंड्स कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि इसको कवर करने के लिए हम लोगों के पास बहुत अलॉट ऑफ बंच ऑफ बुक्स हैं, ठीक है. लेकिन क्या इतने स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में हम बुक्स कहाँ से पढ़ें, नोट्स कहाँ से बनाएं, क्या क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, MCQ प्रैक्टिस करें, कैसे करें, तो ये बहुत सारी क्वेश्चंस हैं. और बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे हैं जो कि आप ढूंढते ढूंढते आपका सारा टाइम निकल जाएगा. तो जैसा कि अगर आप सिलेबस, मैंने आपको एक अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको सिलेबस का वीडियो एक शेयर कर दिया है जहाँ से आप सिलेबस, मैं सिलेबस अरेंज कर रही हूँ. एक्चुअली सिलेबस मेरे पास था लेकिन कहीं से मिसप्लेस हो गया है. अभी एक हैंड रिटन सिलेबस मेरे पास है. अगर आपको नहीं मिलता, अगर मुझे वो सिलेबस, अगर जो विवरणिका थी JSSC की, अगर वो मुझे कहीं से मिल जाती है तो मैं आपको शेयर कर दूँगी. और अगर वो नहीं मिलती है तो आप ऐसे भी, कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ना शुरू करने से पहले आपके पास एक हैंड रिटन सिलेबस होना चाहिए, जो कि आप एक बार जब उस सिलेबस को लिखते हैं तो अपने से हैंड रिटन करने से सिलेबस क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि क्या क्या पढ़ना है मुझे. तो आप वो कर सकते हैं. अदरवाइज़ मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो डेफिनेटली मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपके लिए वो अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है. बट उसमें टाइम लगेगा. और अगर आपको, आप थोड़ा जल्दी चाह रहे हैं प्रिपरेशन अपनी शुरुआत करना, तो आप अपना एक हैंड रिटन सिलेबस आप मेरे जो लिंक मैंने आपको दिया है, जो वीडियो जो मैंने आपको दिया है, आप उससे एक हैंड रिटन सिलेबस आप निकाल सकते हो. तो कुछ बुक्स के लिए बहुत सारी रिव्यूज़ आ रही थी. और मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल के बारे में, अपने इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूँगी. आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें जो भी JSSC PGT बायो का जो एग्ज़ाम है या TGT का जो भी एग्ज़ाम है उससे लेकर के स्टफ्स उसमें शेयर किए जाएंगे. कुछ भी PDF नोट्स वगैरह जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं उसमें शेयर करूँगी. क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी जो रहेंगे उसमें शेयर करेंगे हम लोग. इसमें है कि बुक्स को लेकर के जो क्वेरीज आ रही थी, वो बुक्स के बारे में बता दूँ कि NCERT सबसे बेसिक बुक है आपका, वो NCERT आपके पास होना चाहिए. दूसरी एक चीज़ आपके पास है कि JSSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था प्लस टू का, PGT का 2012 में, उसका लेवल बहुत इजी था गाइज. वो लेवल जो अभी मतलब कि जो बेसिक NCERT, उतना NCERT डीप भी नहीं पूछा था, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चंस था. तो वो लेवल जो है वो अब नहीं पूछा जाएगा. अभी जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2017 का जो नोटिफिकेशन था, जो मैंने आपको बताया है 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है. 50% क्वेश्चंस आर इजी, बट रेस्ट 50% क्वेश्चंस आर अ लिटिल बिट टफ. व्हेन यू गो थ्रू द सिलेबस, जब आप सिलेबस में पूरा जाते हैं, देन इट इंटायरली कवर्स द UG एंड PG सिलेबस. तो आपका सिलेक्शन वो 50% जो इजी क्वेश्चंस हैं उस पर नहीं होगा, वो 50% क्वेश्चंस जो UG एंड PG पे हैं उस पर होगा. और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, मैं उसके बारे में बता दूं, तो उसमें जो सिलेक्शंस हुए थे बायो में, वो 50% सीट चूंकि हाई स्कूल टीचर्स के लिए थे और 50% जनरल कैटेगरी के लिए थे, तो जो 50% जो सीट थे वो मोस्ट ऑफ द सीट्स वो खाली रह गए थे. और जो 50% जनरल कोटा के जो सीट्स थे उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स, मतलब 75% कैंडिडेट्स जो थे वो UP और बिहार के कैंडिडेट्स थे. तो आपको फाइट करना पड़ेगा UP एंड बिहार के कैंडिडेट्स से, और अलॉन्ग विद झारखंड कैंडिडेट्स. और UP एंड बिहार यू हैव टू फाइट विद BHU JNU प्रोडक्ट्स, ठीक है. और उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस अभी हमारा JSSC PGT का जो सिलेबस होता है उसके वो बिल्कुल वही सिलेबस है. और उनके पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो भी आपको उनके पास बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं. क्वेश्चंस भी एजेंसीज जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो क्वेश्चंस भी वही उधर से ही सेट होकर के आते हैं. तो
आप जान सकते हैं कि इसीलिए जो रेट ऑफ सक्सेस है उधर के कैंडिडेट्स का वो ज़्यादा होता है। तो इस बार के बारे में आप देखिए इस बार का क्या है सिनेरियो, क्या रहेगा, ये हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, बट आप ये जान लीजिए कि यू हैव टू कम्पीट विद दीज स्टूडेंट्स। तो आपका आपका जो कंपटीशन है सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट से नहीं है, यू हैव टू कम्पीट विद द नेबरिंग स्टेट्स ऑल्सो, उसमें से यूपी एंड बिहार कैंडिडेट्स, बंगाल कैंडिडेट्स, ये सब ही रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। और जहाँ तक मैं देखती हूँ कुल्हान यूनिवर्सिटी एंड रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इनका जो सिलेबस है, अभी मैं रिसेंट सिलेबस मैंने अभी देखा नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है सेमेस्टर का, जो पहले का सिलेबस था वो इंटायरली डिफरेंट था। तो बहुत सिलेबस में डिफरेंस आ चुका है, आप जो है उस सिलेबस को बहुत ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। कुछ जैसे बात आ रही थी तो 50% मैं आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और एनसीईआरटी आप पढ़िए ज़रूर, और उसका अगर क्वेश्चंस बनाना है उसका, तो देखिए बुक्स तो बहुत है हमारे पास। जब एनसीईआरटी की जो तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी ये एक है, एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो क्या आप इतनी मोटी बुक आप पढ़ पाएंगे? इज इट पॉसिबल टू कम्प्लीट दिस बुक? अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कोई पतली सी बुक है अगर ऑब्जेक्टिव की बुक कहीं से मिलेगा, सबसे बेस्ट होगा 4-5 साल का अगर मेडिकल का किसी का क्वेश्चंस, किसी स्टेट का, स्पेशली झारखंड का अगर आपको मिल जाता है तो, आजकल झारखंड होता नहीं है सॉरी, नीट का अगर 4-5 साल का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आता है, अब आते हैं हम लोग इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी का जो पोर्शन है, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी के लिए कोटपाल की बुक आती है। देखिए मैं सारे बुक्स आपको दिखा देती हूँ और आप डिसाइड कर लीजिए कि कैसे आप पढ़ेंगे बुक्स के। देखिए इन्वर्ट आरएल कोटपाल की बुक आती है इन्वर्टिब्रेट्स की, इसमें इन्वर्टिब्रेट्स का सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा। रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है, हम लोगों ने इसी बुक को यूजी में फॉलो किया था, ठीक है। तो आरएल कोटपाल से इन्वर्टिब्रेट्स आपका पोर्शन पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा कवर अप हो जाएगा, ये आपका हो गया। उसके बाद पोर्शन है आपका जेनेटिक्स का पोर्शन, ठीक है। अच्छा देखिए उसके बाद साइड सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है, सेल बायोलॉजी देखिए आप ऊपर से भी कर सकते हैं, पीके गुप्ता की बुक है उससे भी आपका सेल बायोलॉजी हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सेल बायोलॉजी, ये जो पीके गुप्ता की ये जो बुक है ये जेनेटिक्स भी आपको कवर करेगा और आपका सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स भी आपका कवर करेगा और आपका सेल बायोलॉजी भी कवर कर लेगा ये बुक। इसमें आपको ये सारे पोर्शन सेल बायोलॉजी के लिए है। देन आपका आता है इवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशन के लिए हम लोग पढ़ते थे, आप देखिए सिंह माथुर सिंह एंड तोमर की बुक इवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर, ये देखिए ये बुक आती है माथुर सिंह एंड तोमर की बुक है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, तो ये आपको इवोल्यूशन के टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। देन आपका पोर्शन है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इकोलॉजी की कोई भी बुक आप देख लीजिए, टीएमएच की बुक होती है, एमसी दास की बुक, ये एमसी दास की बुक है इकोलॉजी की, ये इकोलॉजी इकोसिस्टम वगैरह आपका सारा कंटेंट सारा टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाएगा। देन बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप एस चान पब्लिकेशन की बुक आती है, जेल जैन संजय जैन नितिन जैन, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देन कॉर्डेट जूलॉजी का जो पोर्शन है उसके लिए पी एस वर्मा एंड जॉर्डन की बुक आती है, ठीक है, आप ये बुक इसको फॉलो कर सकते हैं, पी एस वर्मा एंड जॉर्डन। देन कॉर्डेट इम्ब्रियोलॉजी या फिर इम्ब्रियोलॉजी के लिए पी एस वर्मा वी के अग्रवाल, ये हम लोगों ने फॉलो किया था अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये बुक भी एस चांद पब्लिकेशन की है, ये भी बुक आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन एनिमल साइकोलॉजी के लिए ये भी देखिए पी एस वर्मा त्यागी की बुक आती थी, ये भी आती है, ये भी बुक आप फिजियोलॉजी के लिए पढ़ सकते हैं। देन कुछ प्रैक्टिस बुक जो है जो आपको मिलेंगे स्नातकोत्तर शिक्षक, ठीक है, ये देखिए जैक के द्वारा प्लस टू के लिए है, ये देखिए इस तरह की बुक्स आती हैं,
प्रतियोगिता साहित्य की बुक जो आती है, ये मैंने खरीदा हुआ था, और इसमें आपको ये बुक्स मिल जाएंगे। एंड पीजीटी के लिए जो देखिए एक ये मैंने केवीएस के लिए खरीदा हुआ था, तो ये बुक भी आपको, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक्स बहुत हैं, आपको इन बुक्स को देख करके लगा होगा कि इतने इतने बंच ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। तो पोर्शन वाइज आपको देखना, इतना सारा बुक नहीं पढ़ना है आपको, टॉपिक देख लेना है। मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और एक एक और है रमेश गुप्ता की बुक एक आती है जुआलॉजी की, ठीक है। रमेश गुप्ता की बुक अगर आपके पास है तो इतने सारे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कंसाइज वे में दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। लेकिन स्पेशल स्पेशल चीज़ जैसे मलेरियल पैरासाइट भी उसमें आपको मिल जाएगा, तो मतलब कि उसमें आपको बहुत सारे पोर्शन मिल जाएंगे। रमेश गुप्ता जूलॉजी की बुक आती है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिलेंट्रेटा, हेलमेन सैनिडेटा, ये इन्वर्टिब्रेट का भी पोर्शन आपको मिल जाएगा, मतलब सारे पोर्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे एनिमल बिहेवियर का मैंने पूरा एक बुक आपको दिया है, दिखाया है, वो एनिमल बिहेवियर का पूरा बुक नहीं, उसमें एक चैप्टर में एनिमल बिहेवियर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अपने यूजी और पीजी में अगर थोड़ी पढ़ाई की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन कहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। और ये ऐसा है कि जैसे अब मान लीजिए कि मैं एक बुक निकाल रही हूँ, लेट अस सपोज मान लीजिए कि ये सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो पूरी की पूरी इतनी मोटी बुक आपको पढ़नी नहीं है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हमको पढ़ना। मान लीजिए कि आपको पढ़ना है सेल सिग्नलिंग, तो सेल सिग्नलिंग का टॉपिक निकाल के आपको पढ़ लेना है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, फिर उससे लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो आप मैंने आपको शेयर किया हुआ है, वो क्वेश्चन देख करके आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमारे साथ ये है कि मैंने जब लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे ये पूरा आइडिया, हालांकि वो क्वेश्चन एक तो ऑनलाइन पैटर्न पहली बार हो रहा था और सिलेबस भी चेंज था, तो ज़्यादा एग्ज़ाम यहाँ पे हुए नहीं हैं। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हो जाता है तब पता रहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इसीलिए बहुत मुश्किल होता है इस पैटर्न पे MCQs निकालना। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास बहुत सारा स्टफ्स है नहीं अवेलेबल, और जो भी बुक आपको मिलेंगे वो सारे प्लस टू लेवल के, जो भी मैंने आपको बुक दिखाए हैं प्रतियोगिता साहित्य वगैरह का, तो उसमें सारा जितना भी स्टफ है वो सारा सिर्फ NCERT बेस्ड या प्लस टू बेस्ड है। इसमें लेटर सपोज कि एकदम जो डीप जाकर के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिल रहा था। तो अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और खुद से नोट्स बना करके और उसको डीप स्टडी करना पड़ेगा, तभी जा करके आप जो है इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको डीपली एक एक टॉपिक पे जा करके और उस टॉपिक को पर्टिकुलर बुक से कंसल्ट करके और उसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है पोर्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ बुक्स जो है ना, बुक्स 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 के लिए इतने सारे बुक्स, MCQs के लिए कोई भी परफेक्ट MCQ अभी तक मैंने देखा नहीं। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद, हो सकता है कि कोई राइटर की बुक आए जिसमें कि सारा झारखंड को लेकर के सिलेबस को ध्यान में रख करके कहीं बुक अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो भी आपको खुद से सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत तरह की बुक हैं कि इसमें सारा कवर अप हो रहा है। 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन रेस्ट 50% जो है, जो डीप जा करके क्वेश्चंस हैं, वो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके लिए सिलेबस आपको डीप जा करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे लगता है आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गाइज, आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरे बताए हुए बातों से तैयारी में हेल्प मिलेगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे हो सकता है कि मैं कुछ अपने जैसे जो भी नोट्स वगैरह मैं प्रिपेयर किया है हुआ है मैंने, तो वो कुछ नोट्स मैं हो सकता है उसमें शेयर करूँ। और बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो नोट्स प्रिपेयर करना, शेयर करना, फिर भी हम मेरी तरफ से जितनी भी आपके लिए हेल्प हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगी। और जो कुछ भी मैंने बनाया हुआ है, पढ़ा हुआ है, जब जो भी स्टफ्स मेरे पास हैं वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके लिए। तो जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएंगी वो भी आपके लिए आपको मैं बताऊँगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें,
ताकि उसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं और जो मैं बना रही हूँ अभी पीडीएफ मैं लिख रही हूँ आपके लिए जेएसएससी से जो भी रिलेटेड जो सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रख करके जो भी मैं बनाऊँगी वो आपके आपको भी शेयर करूँगी। और आप भी स्टडी करें, आप मेरे पे भी डिपेंडेंट फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएं कि हाँ मैम दे रही हैं तो हम लोग उससे ही कर लेंगे, ठीक है। आप खुद से टॉपिक निकालिए, बुक्स आपको बता दिया है मैंने कि ये बुक्स में आपको मिल जाएंगे, और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रीसेंट हैं, रीसेंट अभी सिलेबस में बहुत चेंजेस हुआ था तो उन सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, आपके मुझे लगता है सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली आप देखिए कि क्या सिलेबस में था और क्या क्या आपने पढ़ रखा है। लाइब्रेरी फैसिलिटी अगर है तो लाइब्रेरी से बुक निकाल करके भी आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जुआलॉजी का ये लगभग पोर्शन मैंने बताया हुआ है। बॉटनी के लिए सिंह पांडे एंड जैन की बुक एक आती है, वो अगर आपके पास है तो उससे आपका बहुत सारा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा पोर्शन क्या है तो आपका जो लोअर प्लांट्स होते हैं एल्गी फंगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स ये सब सारा आपका उससे उसमें उस पोर्शन से मुझे लगता है कवर हो जाएगा। और जैसे जो जुआलॉजी के हैं बच्चे वो लोग जुआलॉजी में ज़्यादा स्कोर करते हैं। बॉटनी में आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी है, स्कोरिंग है आपका वायर ये वाला पोर्शन जो है प्लांट फिजियोलॉजी ये पोर्शन स्कोरिंग है। तो जो जो आपको इजी टॉपिक्स लगता है आप उनको प्रिपेयर करें अच्छे से। 100% सिलेबस कवर अप करना बहुत मुश्किल है, तो आपका जो जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको ध्यान उसको बहुत अच्छे से आप कर लें और उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस कहीं भी आपको मिल जाएंगे, कोई भी बुक आप ढूंढें आपको मिल जाएगा। मैं भी ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊँगी डेफिनेटली कि इस बुक से आपको क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करें फ्रेंड्स, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ें। बाय बाय।